हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आप ही के अपने यूट्यूब चैनल रॉल पीके में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम विलियम शेक्सपियर और उनका जो वर्क था उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस एग्जाम में 2001 से 2018 यानी कि जो एलटी ग्रेड परीक्षा में हमारे पूछे गए हैं, उन सबको एक जगह कलेक्ट किया है और उन सबको आपके बीच में जो हम शेयर कर रहे थे। तो दोस्तों, तीसरा पार्ट होगा और मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा क्योंकि क्वेश्चन जो थे सारे लगभग जो है कोर्स से रिलेटेड थे और कोर्स जो है बहुत बड़ी थी तो उनको पढ़ने में समय लगता है, तो इसलिए जो मैं कम प्रश्नों को जो है आपके बीच में शेयर कर पाया और लगभग 110 से 120 प्रश्न हैं। और फ्रेंड्स, ये तीसरा पार्ट होगा और यकीनन इसका जो फोर्थ पार्ट मैं बनाऊंगा उसमें चाहे कितने भी क्वेश्चंस हो मैं सारे जो है पूरे के पूरे आपके बीच में शेयर करने में कामयाब रहूंगा। उसके बाद में हम वर्ड्सवर्थ, मिल्टन या गैल्सवर्थी से एक को चुनेंगे और बन रही हमारे साथ में धीरे धीरे प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो चलिए, हम 46 तक डिस्कस कर चुके थे और 46 के बाद में जो हम देखते हैं क्या है हमारा। तो 46 पर जाने से पहले यही कहूँगा, यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आज की वीडियो में मैंने उनके जो लिंक दे दिए गए हैं पीछे की चारों वीडियोज़ के, तो आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए 46 के बाद में देखते हैं। तो दोस्तों, 36 क्वेश्चंस हमने अभी तक आपके बीच में शेयर किए थे और क्वेश्चन नंबर 37 से हम शुरुआत करेंगे और आज जो है 37 से फ्रेंड्स हम करेंगे 71 तक, यानी कि लगभग जो है 35 क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन होगा आज का 37। इन विच प्ले डू द फॉलोइंग लाइन्स ओकर्स, और हमारा पहला ही जो है पहला भी लाइन्स हमारी ली गई हैं कि नीदर ए बोरोअर नॉर ए लेंडर बी नॉर लोन ऑफ लॉसेस बोथ इट सेल्फ एंड फ्रेंड एंड बोरोइंग डूल्स द एज ऑफ हस्बेंड्री। तो दैट इज फ्रेंड्स एग्जॉस्टेड फ्रॉम हेमलेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। एक ट्रेजिक प्ले है ये, तो शेक्सपियर्स न्यू, तो शेक्सपियर जानते थे। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से बार बार रिपीट हुआ है, लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ फोर ग्रेट ट्रेजडीज। जो शेक्सपियर का जो ग्रेट ट्रेजडीज का पार्ट है फ्रेंड्स, और उसमें हमने बताया था आपको कि HOKM करके हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा H से आएगा हेमलेट है क्या, O से होगा ओथेलो होगा, K से किंग लीर होगा, लेकिन M से मैकबेथ नहीं है। तो आसानी से हम पता लगा सकते हैं कि 12th नाइट जो है एक हमारा कॉमेडी प्ले है। शेक्सपियर्स प्ले हेमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो जो इसको जो है प्रभावित जो किससे हुआ था ये फ्रेंड्स, तो ये किड से हुआ था। द नेम ऑफ प्रेस्परोस डॉटर, तो प्रेस्परो की जो पुत्री थी उसका नाम था मरिंडा। तो सम और करेक्टर हैं फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं इनको वीडियो पोज करके। हम चलेंगे आगे, ये भी द टेम्पेस्ट के स्पेशल करेक्टर हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 42 होगा हमारा, इन 12th नाइट ओलिवा इज ओवरहेड एंड ईयर्स इन लव विद, कि ओलिविया जो है वो किससे प्यार करने लगती है। तो दैट इज फ्रेंड डिस्गाइस व्यूला से प्यार करने लगती है वो, जो कि एक उसने सिजारियों का जो है भेष बना रखा था, यानी अपने भाई की जैसे उसने जो कपड़े पहने हुए थे, एक लड़की होकर जो उसने मर्द का भेष बना रखा था। तो द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ इज, तो जो मैकबेथ का डोमिनेटिंग पैशन था फ्रेंड्स वो क्या था, तो दैट इज ग्रीड, क्योंकि लालच में ही जो है वो अपना सब कुछ जो है वेस्ट कर देता है। और शाइलाक इज अ करेक्टर इन, तो शाइलाक जो करेक्टर है हमारा मर्चेंट ऑफ वेनिस में है, और मर्चेंट ऑफ वेनिस भी हमारा शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ एक प्ले है। तो रेनेसांस प्लेराइट शेक्सपियर को जाना जाता है। 45 होगा क्वेश्चन नंबर, शेक्सपियर इज ए, तो वो थे रेनेसांस प्लेराइट। क्वेश्चन नंबर 46 होगा, कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर बिकॉज,
कौडल्या जो है अपने पिता के मतलब हेल्प के लिए उसको बाहर निकाल दिया गया था देश से, अपने उसके देश निकाल दिया गया, तो क्यों आई थी, आउट ऑफ अ जीनियल लव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कौडल्या जो है किंग लियर की जो है सबसे छोटी पुत्री थी, और उससे पहले भी जो गोनरिल थी एक बड़ी वाली, और रीगन थी, तो जो दो बड़ी बहनें थी दोनों आपस में मिलकर जो उसकी सारी प्रॉपर्टी को जो है हड़प लेती हैं और उनको राजा को जो बाहर निकाल देती हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का, हु सैड इट, हाउ पुअर आर दे हैड दे दैट हैव नॉट पेशेंस, कि वो कितने मतलब कमज़ोर या कितने कमज़ोर होते हैं, कितने निर्बल होते हैं कि जिनके पास में धैर्य नहीं है। तो वाट वो डिड एवर हील बट बाई डिग्रीज, तो ये फ्रेंड्स यागो की द्वारा कही गई लाइन है ओथेलो में। हु इज़ कैलिबैन, कैलिबैन कौन है, तो द विलेन इन द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट में जो है विलेन का रोल जो अदा करता है एक कैली नेम का, कैलिबैन नाम का करेक्टर। ओथेलो के डेस्टिमोना आउट ऑफ, जो ओथेलो हमारा ट्रेजिक प्ले है, तो ओथेलो जो है उसमें अपनी पत्नी डेस्टिमोना को मार देता है, तो क्यों मारता है, तो इग्नोरेंस अज्ञानता के कारण मार देता है, उस पर शक करता है और उसको जो है फिर मार देता है। तो शेक्सपियर रोट, शेक्सपियर ने क्या लिखा था फ्रेंड्स, तो ऑप्शन में आता है द रोमांटिक कॉमेडी। क्वेश्चन नंबर 51 होगा, ओफिलिया इज बिलव्ड ऑफ, जो ओफिलिया थी वो किसकी प्रेमिका थी, तो वो थी हेमलेट की, और प्ले हेमलेट में थी वो। तो शेक्सपियर वॉज बॉर्न एट स्टार्टफोर्ड अपॉन अवन, जो स्टार्टफोर्ड है फ्रेंड्स वो एक सिटी का नाम है, और अवन जो है वो एक रिवर का नाम है, तो याद रखना आप ये प्रश्न। दोस्तों मुझसे कई बार जो कमेंट में पूछा गया है और कई बार मैंने इसका आंसर भी दिया है, तो सभी साथी जो फ्रेशर हैं या जो पुराने हैं, खैर जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी पहले से कर रहे हैं तो उन्हें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खासा जो है परेशानी का सबब होता है। तो कोई कहता है कि ऑन, कोई कहता है अपॉन, तो फ्रेंड्स अपॉन इज करेक्ट। नेक्स्ट होगा, आवर बॉडीज आर आवर गार्डन्स एंड टू विच आर विल्स आर गार्डनर्स, कि हमारी जो शरीर है वो हमारा एक तरीके से ऑर्चर्ड बगीचा है, और जो हमारी आत्मा है वो हमारे माली हैं। तो हुज स्टेटमेंट इज दिस, तो दिस स्टेटमेंट इज फ्रेंड्स इयागो इन ओथेलो, ओथेलो प्ले में इयागो ने कहा है। और 54 होगा, पोर्सिया इज द हीरोइन ऑफ द प्ले, जो पोर्सिया है फ्रेंड्स तो वो कौन सी मर्चेंट ऑफ वेनिस की जो है हीरोइन है। क्वेश्चन नंबर 55 होगा, शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज बट ओनली हीरोइनिस, तो हु सैड इट, तो दैट इज सैड बाई जॉन रस्किन। 56 होगा, एज कैन नॉट वाइटर हर नॉर कस्टम स्टॉल हर, इन फाइनाइट वेरिएटी ओकरिन, तो एंटोनी एंड कैलियोपाट्रा। नेक्स्ट होगा, शेक्सपियर्स फोर ग्रेट ट्रेजडीज आर, तो ये क्वेश्चंस पहले भी मैंने बताया था और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 4 से 5 बार ये रिपीट हुआ है। और फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा यदि क्वेश्चन को मैंने दोबारा रखा है तो उसकी लैंग्वेज चेंज है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि अगर सेम लैंग्वेज प्रश्न रिपीट हो रहा तो मैंने सेम लैंग्वेज प्रश्न को रिपीट को नहीं रखा है। केवल अगर क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है तो डिफरेंट लैंग्वेज में जो रिपीट है मैंने उसको रखने की कोशिश की है। तो आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं वीडियोस का। तो हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, और ये बिल्कुल सीक्वेंस में है, इनमें सबसे पहली जो है वो हेमलेट है, उसके बाद ओथेलो है और फिर किंग लियर है, फिर मैकबेथ है। मिड समर्स नाइट ड्रीम इस, तो मिड समर्स नाइट ड्रीम से मैंने पहले भी एक क्वेश्चन बनाया था कि हर्मिया को लेकर, कि हुई हर्मिया, तो दैट इज कॉमेडी बाई शेक्सपियर। और मर्चेंट ऑफ वेनिस इज, तो ए ट्रेजी कॉमेडी प्ले है, और शेक्सपियर के द्वारा 1596 में फ्रेंड्स इसको पब्लिश हुआ था, लिखा कंपोज हुआ था और पब्लिश हुआ था। मेलवोलियो इज, तो मेलवोलियो कौन है, तो मेलवोलियो एक करेक्टर है फ्रेंड्स 12th नाइट प्ले में, और वो करेक्टर होने के साथ साथ क्या है, वो मैन करेक्टर है, और वो जो है स्टेवार्ड है इन द हाउस होल्ड ऑफ ओलिविया, हाउस मतलब जो उसकी प्रबंधक है, जो उसका पूरा जो सब कुछ हाउस होल्ड होता है उसको सबको देखने के लिए वो
प्रबंधक के रूप में नियुक्त जो किया गया है। हु इज नॉन एज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर्स वोमेन करेक्टर्स, जो शेक्सपियर के प्ले हैं और उनमें जो भी फीमेल करेक्टर हैं वोमेन करेक्टर हैं तो उनमें फोर्थ विच के नाम से किसको जानता है, दैट इज लेडी मैकबेथ। जैसा कि वो राजा डंकन को और बैंको की हत्या कराने में जो है मैकबेथ की सहायता करती है, उसको फुलसाती है, तो उसको फोर्थ विच के नाम से जो एक उपाधि दी गई है। विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू द एलिजाबेथन एज, विलियम शेक्सपियर जो थे फ्रेंड्स, तो विलियम शेक्सपियर जो है वो बिलोंग करते थे एलिजाबेथन एज से। क्वेश्चन नंबर 36 होगा हमारा, हु इज नॉन एज द मेलनकोली मैन इन एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट प्ले में जो है मेलनकोली जो है कौन है वो, तो दैट इज जैकस। और शेक्सपियर सोनेट एंड्स विद, तो फ्रेंड्स शेक्सपियर का जो सोनेट अंत होता है तो वो होता है एक कपलेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 66 चलते हैं, द मैन थीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट इज, तो शेक्सपियर की सोनेट है और उनका जो मैन थीम है फ्रेंड्स वो है हमारा लव। क्वेश्चन नंबर 67, 14 ब्रास इज अ करेक्टर इन शेक्सपियर, तो 14 ब्रास नाम का जो करेक्टर है फ्रेंड्स वो है ओथेलो में। और लाइफ इज नथिंग बट ए वॉकिंग शेडो ए पुअर प्लेयर लाइन्स ओवर इन शेक्सपियर प्ले, तो फ्रेंड्स दैट इज मैकबेथ। और ये लाइन जो है फ्रेंड्स मैकबेथ के द्वारा ही बोली गई हैं जब उनकी पत्नी का जो दुख हो जाता मतलब देहांत हो जाता है, तो वो जो है भाग्य में कहीं ना कहीं जो है फिर विश्वास करने लगते हैं और कहते हैं कि लाइफ इज जिंदगी जो है हमारी केवल चलती फिरती छाया है और हम सब तो बहुत ही जो कमज़ोर खिलाड़ी हैं, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट एडम एपियर, तो एडम जो एक करेक्टर है एडम वो शेक्सपियर के किस प्ले में अपेयर होता है, तो फ्रेंड्स वो होता है एज यू लाइक इट में। हु हैज़ रिटन सिम्बलाइन, और सिम्बलाइन जो लिखा गया फ्रेंड्स विलियम शेक्सपियर द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 71 और लास्ट प्रश्न होगा हमारा, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ मिस्टर डब्ल्यू एच इन शेक्सपियर सोनेट, हमें फ्रेंड्स ये तो पता है कि 126 सोनेट जो 126 है उनमें जो है कहीं भी मतलब इनका पूरा नाम मेंशन नहीं है, लेकिन उनका जो पूरा नाम है वो यहाँ हमने मेंशन किया है। तो उनका जो पूरा नाम था वो था विलियम हर्बर्ट ऑरेंज। तो प्यारे दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही, और यदि वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि नहीं किया अभी तक, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं है, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना भी बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको जो है नई नवीनतम जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो इसी शुभकामना के साथ कि फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स नमस्कार।